हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे संपूर्ण भारतीय कला। तो कला जो शब्द है वो कल से बना है और कड़ से बना है। तो जो कल का मतलब होता है उसका मतलब है प्रेरित करना, और यदि हम कड़ की बात करें तो उसका मतलब होता है प्रसन्न करना। तो अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में जो कला शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये 13वीं सदी में आया है और इसे टेक्ने यूनानी शब्द से लिया गया है। जो भारतीय कला है हमारी दो वर्गों में विभाजित है, एक है ललित कला और एक है हमारी उपयोगी कला। ललित कला को हम चारू कला या फाइन आर्ट के नाम से भी जान सकते हैं, और उपयोगी कला को हम कारू कला और यूजफुल आर्ट भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं इनके जो कुछ प्रमुख पॉइंट है। तो सबसे पहला हमारा आता है आत्मिक सुख इसका प्रदान करना। कला का मतलब भी होता है कि हमें देखकर उसमें आत्मिक सुख प्रदान हो, और इसे तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर कला को वर्गीकरण किया था हीगल ने। तो जो कला का एक प्रमुख टाइप है जिसे उच्च कला के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारी काव्य कला है। फिर आती है संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। और जो उपयोगी कला के अंतर्गत भौतिक सुख प्रदान करती है, इसका मतलब होता है जो हमें भौतिक सुख प्रदान करे, और जो ललित कला होती है ये हमें आत्मिक सुख प्रदान करती है। तो जो उपयोगी कला है ये हस्तनिर्मित होती है। हस्तनिर्मित मतलब हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि वस्त्रों की बुनाई करना, सजावटी सामग्री तैयार करना, या किसी कपड़ों पर सजावट करना, या फिर किसी भी तरीके की कोई सजावट हो। और यांत्रिक कला के अंतर्गत आती है मशीनरी आर्ट, जो मशीनों से की जाती है, जैसे कि फोटोग्राफी हो गई, फिल्म हो गई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं फाइन आर्ट की डिटेल पर। तो फाइन आर्ट जो है, फाइन आर्ट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है हमारी दृश्य कला और एक होती है हमारी अदृश्य कला। काव्य कला और संगीत कला ये हमारी अदृश्य होती है, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और जो दृश्य कला है वो हमारी चित्रकला और मूर्तिकला और स्थापत्य कला है। इसे रूपवाद कला भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिक कला। नेक्स्ट है हमारा जो कला के अंग है, कला के अंग या फिर लिम्स ऑफ आर्ट है कितने हैं, तो वो हमारे 6 है। और इसे पंडित यशोधरा ने अपनी पुस्तक जयमंगला में भी वर्णित किया था। याद रखना है जयमंगला में आर्ट के अंगों को वर्णित किया गया है। तो आर्ट के जो 6 अंग हैं वो कौन कौन से हैं, रूपभेदा, प्रमाणी, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्यम, वार्णिक भंग, इति चित्र, शिष्टांगतम। ये सभी, ये जितने जी 6 नाम है ना, ये 6 नाम ये हैं कला के 6 अंग। अब चलते हैं आगे। तो अगर कला के तत्वों की बात की जाए तो जो कला के तत्व हैं वो एक रेखा सबसे पहली आती है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु का मिलान करती है, वो हमारी रेखा कहलाती है। रूप किसी भी तरीके की कोई आकृति दे देना, रंग से आप परिचित ही हैं। और फिर आ गया है टोन, पोत मतलब टेक्सचर, और अंतराल स्पेस एंड और जो है अंतराल बॉन्ड या स्पेस जिस पे बनाया जाती है पेंटिंग, उसके बिना पेंटिंग करना संभव नहीं है। तो ये सारे हमारे जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं। और रंगों की जो उत्पत्ति हुई है प्रकाश से हुई है, किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। और विबग्योर जो इंद्रधनुषीय कलर है, ये विबग्योर का आपको याद रखना है सीक्वेंस क्या होता है। तो विबग्योर इसके जो 7 रंग इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संयोजन का सिद्धांत। तो संयोजन के सिद्धांत भी 6 है। तो इसके जो 6 संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो संयोग कला या एकता या फिर यूनिटी का सिद्धांत, और सामंजस्य, हारमोनी, संतुलन, प्रभाव, लय या फिर पाइथम और प्रमाण। ये अनुपात का स्वर्णिम सिद्धांत जो है यूक्लिड यूनानी ने दिया था। और प्रभाविकता है, प्रभाविकता में जो दिखाया गया है माता और पुत्र का चित्र दिखाया गया है, प्रभाविकता का है ये। एक से अधिक चित्र बनाए जाते हैं इसमें। इसमें जो मुख्य आकृति होती है वो गौण और मुख्य आकृति होती है, और बाकी सारी जो आकृतियाँ होती हैं वो गौण आकृतियाँ होती हैं। चलते हैं संपूर्ण भारतीय कला की जानकारी पर। संपूर्ण भारतीय कला ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो संपूर्ण भारतीय कला के अंतर्गत आता है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्राक ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें कोई भी लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ हम साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर ही पता कर सकते हैं कि ये हमारा कितने वर्ष पुराना है और ये कब से रिलेटेड है। तो इसकी जो खोज हुई थी वो सन 1851 ईस्वी में डेनियल विलियन ने अपनी बुक में प्राकैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरी एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड। इसका काल जो है 50,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व है। कहीं कहीं दिया जाता है 30,000 से 3,000, वो भी सही है, और 50,000 से 3,000 ये भी सही माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ऊपर इसी के पार्ट के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल
और न पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की इंग्लिश भी हमें याद रखनी है, इन सब की इंग्लिश करके नाम पूछ दिए जाते हैं, इनकी इंग्लिश हमें याद रखनी है। तो पूरा पाषाण काल को रियोलिथिक एज या फिर मेघालिथिक एज के नाम से जाना जाता है, मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 50,000 या 30,000 से लेकर 25,000 ईस्वी पूर्व तक है, और वो हमने पूरा बताया था 5,000 से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व तक, ये पूरा प्रागैतिहासिक का काल है। जब इन्हें पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पूरा पाषाण काल अलग है, मध्य काल अलग है और नवपाषाण काल अलग है, ठीक है। तो फिर पूरा पाषाण काल का मैंने बता दिया आपको, मध्य पाषाण काल का है 25,000 से 10,000, नवपाषाण काल का है हमारा 10,000 से 3,000। और इस समय पूरा पाषाण काल के में ये जो मनुष्य था वो आग के बारे में जानता था और इसे पत्थर के औजारों के प्रयोग करता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है क्योंकि यहाँ पर आग की उत्पत्ति की बात होती है, तो कहीं कहीं मैंने इसे नवपाषाण काल में भी देखा है, वैसे एक्यूरेट तो यही होना चाहिए, बाकी एक बार आप खुद भी देख सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे तो वो क्वार्टरजाइट के हैं, और जो मध्य पाषाण काल में इन्होंने थोड़े नुकीले पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे तो ये हमारे माइकोलिक्स कहलाए। और इसमें नव पाषाण काल में एक कृषि, पशुपालन, पहिए का आविष्कार और कला का प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो भारतीय कला का इतिहास 5 वर्ष पुराना है, लेकिन कला और यूरोपीय कला का इतिहास जो है तो वो हमारा 7,000 वर्ष पुराना है। तो यदि अकेला कला का पूछा जाता है तो वो 7,000 है, और यूरोपीय का पूछा जाता है तो भी 7,000 है। अगर आ जाता है कि भारतीय कला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है तो वो 5,000 वर्ष पुराना है। प्राग ऐतिहासिक कला के पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रुशफुट को कहा जाता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में पत्थर के औजारों की खोज की थी। अब पुरातत्व काल के पिता किसे कहा जाता है, तो पुरातत्व काल के पिता कहा जाता है कनिंघम को। और अब आते हैं खोज के बारे में, तो 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवाराम नामक स्थान पर पाषाण के उपकरणों की खोज की थी ब्रुशफुट नामक वैज्ञानिक ने। 1880 ईस्वी में मिर्जापुर की शिला चित्रों की खोज की थी, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, इसमें आरजीवम क्लाइल है और जॉन कॉक बर्न है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, 1907 में बांधा में सीए सिल्वा रोड ने इसकी खोज की थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन निवास, सबसे प्राचीन निवास हमें मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें दक्षिण भारत में, क्वार्टरजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे पता है हमें। 1861 ईस्वी में ASI संस्था की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, कंगम के द्वारा। कंगम का जन्म हुआ था 1814 ईस्वी में। ASI की फुल फॉर्म है आर्क्योलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। 1863 ईस्वी में अनुसंधान प्रारंभ हो गया था, पाषाण काल खोज अनुसंधान। 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवाराम में ब्रुशफुट विद्वान ने पत्थर के औजार खोजे थे। 1865 में HVY ने गोदावरी नदी के किनारे पैथान स्थान पर जीवाश्म खोजे थे। 1880 ईस्वी में भारत मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों में शिलाश्रय की खोज हुई थी। 1879 ईस्वी में विश्व में अल्टमीरा जो गुफा है उसकी खोज की गई थी, और शिलाश्रय की खोज की थी तो वो की थी आर्चीवाम क्लाइल और जॉन कॉर्क ने। 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत की बेल्लारी कर्नाटक, जो बेल्लारी है वो कर्नाटक में स्थित है, और 1901 में ये लिखा हुआ है, जो ये बाइनाइड है, 1901 में ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बाइनाइड है, ये है बाइनाड, और बाइनाड एडकल केरल में जो स्थान पड़ता है इसकी खोज की गई थी एफ फासेट के द्वारा। सन 1907 ईस्वी में बांधा शिला क्षेत्र जो है, बांधा के शिला क्षेत्र है, इसकी खोज की गई थी सीए सिल्वा रोड पांचाल ने की थी, और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, जहाँ होशंगाबाद, पंचमणी, शिवपुरी क्षेत्र के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है जो हम पढ़ेंगे आगे। और यूपी में जो प्रमुख क्षेत्र है वो मिर्जापुर है, बांधा राजस्थान में है, अलनिया जिसे सीता जी की मांडना के हाथ की छाप के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो मांडना जो है राजस्थान की लोक कला है, और जो बिहार में इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो शाहबाद, और उत्तराखंड में कोई भी क्षेत्र ज्ञात नहीं हुआ। और क्षेत्र जो दक्षिण भारत में है, बिल्लारी बाइनाइड की एडिकल जो केरल में है, विल्लारम केरल में है, ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वहाँ की। अब इसका जो विषय इसमें था एकेट करना, एकेट से ये अपना भोजन प्राप्त करते थे, और इन्होंने जो चित्रकारी में रंगों का प्रयोग किया है वो गेरू रंग का प्रयोग किया है, जो इनका एक मुख्य रंग रहा है,
और रामराज रंग का प्रयोग किया है, खड़िया और कोयला का रंग, क्योंकि जो कोयला है उसे बहुत ही कम मात्रा में देखा गया है प्रयोग करते हुए, और गेरू सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। अब करते हैं इनके स्तर की बात। जो वो प्रारंभिक चित्रों के तीन स्तर थे इनके, जिन्होंने जब स्टार्टिंग की थी तो इन्हें तख्तीनुमा व डब्लूनुमा चित्र बनाने शुरू किए थे। देखिए ये इनसे लाइनिंग लाइनिंग करके बनाते हैं बच्चे, उस तरीके से इन्होंने चित्र बनाने शुरू किए थे। फिर आगे इन्होंने चित्र जो बनाए थे वो जानवरों के बनाए, जिन्हें जानवरों को बड़ा दिखाया और मानव को छोटा दिखाया, और तृतीय में इन्होंने पशुपालन और कृषि के चित्र बनाए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक का। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है हमारा, इसके अंतर्गत आती है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में पनपी थी, पाकिस्तान और भारत में। तो जो सिंधु घाटी की जो सिंधु सभ्यता है ये रावी, चिनाब और झेलम सतलज नदी के किनारे पनपी थी। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, नगीरे सभ्यता, कासयुगीन सभ्यता और मेहलुआ सभ्यता और पकाई हुई ईंटों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वन सेकेंड वेट। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो प्रमुख नगर हमें प्राप्त होते हैं तो वो हमें हड़प्पा के और मोहनजोदाड़ो के प्रमुख नगर प्राप्त होते हैं, और प्रमाणित नगर जो है वो 6 हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाणित नगर 6 हैं। और अगर पूछ दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है तो वो तिकोना है। देखिए ये इस तरीके का आकार आपको देखने को मिलेगा। ये सिंधु घाटी के ही खोजे गए क्षेत्र हैं, ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो सिंधु की बाढ़ से सात से अधिक बार नष्ट हुआ था। जो मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी वो सिंधु की बाढ़ से 7 बार नष्ट हुई थी, जो लेकिन जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो एक भी बार नष्ट नहीं हुई। इसलिए नष्ट नहीं हुई क्योंकि जो यहाँ का जो निर्माण था इसमें सबसे पहले दुर्ग बनाया गया था, उसके बाद नीचे टीला बनाया गया था। तो इस तरीके से आने वाली जो बाढ़ थी ना, तो ये पहले दुर्ग से टकराएगी और फिर इसके बाद ये वापस लौट जाएगी, जिससे कि ये टीला और दुर्ग दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस बहुत ही कम थे। तो जो हमारा जो दुर्ग था वो मुख्य नगर था, जो पश्चिमी टीला कहा जाता है, और जो निचला है वो नगर में पूर्वी टीले के नाम से जाना जाता था। अब है हड़प्पा के टीले का पता सन 1878 ईस्वी में कंगम ने लगाया था। ये ASI के संस्थापक भी हैं, बताया मैंने आपको पहले। ये पिता पुरातत्व के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं कंगम। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। जो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्राचीन जो नगर है वो हड़प्पा है, और जो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर पूछ लिया जाता है तो वो हमारा मोहनजोदड़ो है, और जो प्राचीन नगर है वो हड़प्पा है। तो सिंधु सभ्यता की प्रारंभ में स्थित बड़ा नगर कौन सा है तो वो राखीगढ़ है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा नगर, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे छोटा नगर कौन सा है, तो वो अल्लादीनो है। अब ये पाकिस्तान में पहुँच गया है, ठीक है। और वैदिक ग्रामीण पुरानी सभ्यता है, तो बिल्कुल ही पुरानी सभ्यता है। और यहाँ का एक स्नानागार भी मोहनजोदाड़ो का बहुत फेमस है। और जो मोहरें यहाँ प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार मिली थी, और जो बर्तन हैं वो लाल रंग के धरातल से हैं और काले रंग के उनमें चित्र बने हुए हैं। और जो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य था कार्य वो था इनका व्यापार। और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर जो मिले हैं हमें, जो बंदरगाह नगर प्राप्त हुए हैं तो वो लोथल, सुतकोंडोर और अल्लादीनो है। यहाँ पर हमें बंदरगाह नगर प्राप्त हुए थे। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट वैदिक सभ्यता पर। तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का आरंभ 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें वेदों की रचना की गई थी। इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और जो चारावाहा के रूप में भारत आए थे या मध्य एशिया में आए थे, ठीक है। अब जो है बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। तो बोजुकोई नामक स्थान से प्राप्त जो अभिलेख हमें मिला था, अभिलेख जो पत्थर पे लिखा हुआ होता है उसे अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख पे आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें प्राप्त हुआ था। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारी पूर्व वैदिक सभ्यता है, दूसरी है उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चली, और उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। तो पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद की रचना की गई थी। PGW ये है पेंटेड ग्रेवियर कल्चर है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो ये लौह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, और इसमें जो चित्रित धूसर मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ये
इम्पॉर्टेंट इतना ही है। और इसमें जो है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और महाकाव्य की रचना इस काल में की गई थी। तो जो सामवेद यजुर्वेद हैं ये बताए जा ये अथर्वेद और ऋग्वेद ये ब्रह्मा के चार सिर बताए जाते हैं, चार मुख बताए जाते हैं। जो महाकाव्य में है एक तो है रामायण और एक है महाभारत। और जो उपनिषद है उपनिषदों की रचना हुई थी 108, पुराण हमें मिलती है 18। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम महाजनपद की ओर, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में हमारे इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रामायण की रचना किसने की थी और महाभारत की रचना किसने की थी, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और अवधि में इसका जो लिखन किया था वो किया था तुलसीदास जी ने, और महाभारत की रचना की थी वेदव्यास जी ने। तो अब हम महाजनपद काल के बारे में चलते हैं। तो हमारे जो महाजनपद काल है वो है 16, और इसमें जो है हर्यक वंश है। हर्यक वंश में जो इसका शासक था वो बिंदुसार था। शिशुनाग वंश में शिशुनाग था, इसका यही था अकेला। और फिर इसके बाद जो है नंद वंश का महापद्मानंद, मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग खाता पुष्यमित्र, सातवाहन शिकुन और कंडव वंश वासुदेव। कुषाण जो है कुषाण वंश का है कुजुल और कुडफेसिस कुषण, और गुप्त वंश और श्रीगुप्त। ये नेट में ज़्यादा पूछा जाता है और पीजीटी में इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बार दृष्टि बनाए रखें क्योंकि अब थोड़ा सा इस तरह इसका अप होता चला जाए तो हो सकता है ये इस बारे क्वेश्चन पूछ दें, और इतनी डिटेल में आपने जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं मध्यकाल के बारे में। तो जो मध्यकाल है हमारा वो पूर्व मध्यकाल है और उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल जो है 600 से 900 ईसा पूर्व है, और उत्तर मध्यकाल 900 से 1200 ईसा पूर्व है। जो मध्यकाल में इसमें चालुक्य और राष्ट्रकूट का शासन रहा था, और उत्तर में केसरी व गंग का, चंदेल और चोल का रहा था, और इसे काकताई वंश, कारकूट वंश और गुजरिल व प्रतिहार वंश का भी शासक रहा था। अब आते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल में 5 राजवंश हैं, इसमें 1206 से 1526, और इसमें जो कौन कौन से हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखें कि कौन सा काल कब तक रहा। गुलाम वंश का काल जो है 1206 से लेकर 1290 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक था, और खिलजी वंश जो था सन 1290 से लेकर 1320 तक था। यहाँ का जलालुद्दीन खिलजी यहाँ का शासक था। तुगलक वंश में 1320 से लेकर 1413 तक चला, और ये यहाँ का जो शासक गयासुद्दीन रहा। और जो सैयद वंश आया वो 1414 से 1491 यहाँ पर खिजर खां शासक था। लोदी वंश का जो शासक था वो था बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी को बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, और इसका जो काल था वो 1451 से लेकर 1526 तक चला। तो 1526 से मुगल वंश की स्थापना हो की थी बाबर के द्वारा, 1857 तक रहा, और 1857 में हुई थी महान क्रांति। और ये है, अब चलते हैं बाबर का काल। ये बाबर का नहीं बाबर का काल है। बाबर का काल 1526 से लेकर 30 तक है। हुमायूं का काल 1530 से लेकर 40 तक है, 1555 से लेकर 1556 तक भी माना जाता है, क्योंकि इसके दोबारा से फिर से राज्यारोहण हुआ था। और फिर अकबर का काल 1556 से 1605 तक, जहांगीर का काल 1606 से लेकर 1627, शाहजहां का 1628 से 1658, औरंगजेब का 1658 से 1707 ईस्वी। ठीक है, आप चलते हैं ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीनतम जो गुफा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऐतिहासिक काल की। जो ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीनतम जो गुफा है वो चौकी मारा है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ पाए गए थे तो वो भी याद रखने, वो भी हमें जोगी मारा में ही मिले थे। और जोगी मारा के चित्र का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। और जोगी मारा की अगर पूछ दी जाए कितने फीट की है तो हमें याद रखना है कि 10x6x6 की है। इसकी छत पर चित्र मिले हैं और 7 खंड भी हैं। 7 खंडों में क्या क्या है, एक तो है कमल सरोवर, वात लिपि और कमल सरोवर, वातलिपि, नृत्य युगल, अनुपात रहित मनुष्य और नृत्यांगना, प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य, यूनानी रथ की समान रचनाएं मिली हैं। और जो ये चारों हैं और इन पे जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद है और चित्र है लाल रंग की है, और ये छत पर बने हुए हैं, आउटलाइन काले रंग की है, बॉर्डर पीला किया गया है। लॉ ऑफ फ्रंट लिटी, सामने दिखती हुई को कहा जाता है कि, तो ऐसा ही है पॉइंट। अच्छा, इसकी प्रतिलिपियाँ जो है 1914 में तैयार की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो असित कुमार हल्दार और सुमेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा तैयार की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्रतिलिपियाँ जोगी मारा की किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो असित कुमार हल्दार और सुमेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा तैयार की गई थी। पता है सीत भंगुरा एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है। चलिए, आप
वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।